नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आपका स्वागत है गुरुग्राम के अपने पहले वेब न्यूज चैनल में, जहां दिखाई जाती हैं खबरें आपके शहर की। रात के 1:30 बजने वाले हैं और हम आप लोगों के सामने हाजिर हैं कोरोना बुलेटिन लेकर, जो कि 4 जून की डिटेल्स हैं वो आप सब लोगों के सामने वो हम हाजिर हैं लेकर। एक इम्पॉर्टेंट बात ये बताना चाहूँगा आप लोगों को कि आज जो 215 केसेज आए हैं, यानी कि 4 जून को जो गुरुग्राम में 215 कोरोना पॉजिटिव के केसेज आए हैं, उनमें एक साल के मासूम बच्चे से लेकर 82 साल के बुजुर्गों तक सभी उम्र के लोग हैं शामिल हैं जो कि ये कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। और आधा दर्जन से ज़्यादा ऐसे बच्चे हैं जो कि एक साल से लेकर जिनकी उम्र 8 साल के बीच है, 7-8 ऐसे बच्चे हैं जो इन उम्र के बीच है। और अधिकतर जो इसके अलावा जो पेशेंट्स हैं जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, उनमें 50 साल से ज़्यादा के अधिकतर लोग हैं। तो इसीलिए बार बार सरकार की तरफ से अपील की जाती है कि 10 साल से कम उम्र के बच्चे और 60 साल से ज़्यादा उम्र के जो बुजुर्ग हैं उनको घरों में रहना चाहिए और हम लोगों को उनकी खास देखभाल करनी चाहिए कि वो इस कोरोना की चपेट में ना आ पाए, क्योंकि ये कोरोना महामारी सबसे ज़्यादा जो नुकसान देती है वो छोटे बच्चों को और जो बुजुर्ग हैं उनको सबसे ज़्यादा नुकसान देती है। जब कोरोना की शुरुआत हुई थी, हम आप लोगों के लिए रोजाना कोरोना का हाल सुबह 11 बजे जब लेकर आते थे, तो उसमें भी हम आप लोगों से यही अपील करते थे कि अपने बुजुर्गों को और बच्चों को घरों के अंदर ही रखें, उनकी खास देखभाल करें। अब शुरुआत करते हैं कोरोना बुलेटिन की। तो आज का कोरोना बुलेटिन यानी कि 4 जून का कोरोना बुलेटिन ये कहता है कि नए केसेस की संख्या 215 बढ़ाई गई है। उसके अलावा जो टोटल केसेस हैं वो 1410 हो गई है। अब टोटल केसेस की संख्या इतनी हो गई है और 4 लोग डिस्चार्ज भी हुए हैं 4 जून को, जो अब डिस्चार्ज होने वालों की संख्या 292 हो गई है। इसके अलावा अब तक हमारे गुरुग्राम में जो आधिकारिक आंकड़े हैं उनके मुताबिक 4 लोगों की मौत भी हो चुकी है। अब बात करें एक्टिव केसेस की, तो वो बच गए हैं हमारे गुरुग्राम में जो एक्टिव केसेस हैं 1114। ये एक्टिव केसेस की संख्या है जो अब गुरुग्राम में कुल संख्या बची है। अब शुरुआत करते हैं आपके सामने धीरे धीरे कि गुरुग्राम के किन किन इलाकों से ये 215 केसेस आए हैं, वो डिटेल्स मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं। जैसा हमारा आप लोगों से वादा है कि रात का चाहे कोई भी समय हो, हम आप लोगों के लिए जो कोरोना बुलेटिन की जो अपडेट है कि किन किन इलाकों से ये कोरोना पॉजिटिव की जो मरीज हैं वो आ रहे हैं, वो डिटेल्स हम आप लोगों के सामने लेकर आते हैं। आपने नोट भी किया होगा, पिछले कई दिनों से हम देर रात ही ये डिटेल्स लेकर आते हैं। जैसे ही हमारे पास जानकारी आती है, हम आप लोगों के सामने वो जानकारी शेयर करते हैं। तो आज का जो आंकड़ा आया है 4 जून का, उसमें 2 इलाके ऐसे हैं जो कि हॉटस्पॉट बनकर निकले हैं। एक तो है DLF फेज 3, जहां से 9 पेशेंट्स आए हैं कोरोना पॉजिटिव के, और दूसरा है शीतला कॉलोनी, यहां से भी 9 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके बाद नंबर आता है सरस्वती एनक्लेव का, जहां से 7 केसेस मिले हैं। शक्ति पार्क और खांडसा गांव, यहां से 6-6 लोग कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। इसके बाद बात करते हैं जहां से 4-4 केसेज आए हैं, ये 8-9 लोकेशन है, इनकी लोकेशन मैं आपको बताता हूं। सेक्टर 22 गांधीनगर, राजीव नगर सेक्टर 10, सेक्टर 50 हरिनगर सेक्टर 4, देवीलाल कॉलोनी, अशोक विहार फेज 3, ये वो लोकेशन है जहां से 4-4 केसेस सामने आए हैं गुरुग्राम में 4 जून को। अब मैं आप लोगों को लोकेशन बता रहा हूं जहां से 3-3 केसेस सामने आए हैं। वजीराबाद सेक्टर 18, कृष्णानगर सेक्टर 10A, शांतिनगर, हीरानगर, शिवनगर और अर्जुन नगर, यहां से 3-3 केसेस कोरोना पॉजिटिव के आए हैं। और अब मैं बात करता हूं जहां से 2-2 केसेस आए हैं, उन इलाकों के मैं नाम ले रहा हूं जहां से 2-2 केसेस गुरुग्राम में 4 जून को आए हैं। उनमें है चौमा गांव सेक्टर 47, वाटिका सेक्टर 82, चकरपुर, दयानंद कॉलोनी, बेगमपुर खटोला, पुलिस लाइन सेक्टर 52, सेक्टर 43, सेक्टर 33, सेक्टर 84 मदनपुरी, सेक्टर 39 झाड़सा, लक्ष्मण विहार फेज 2, सूरत नगर, निर्वाणा कंट्री, फिरोज गांधी कॉलोनी सेक्टर 9, ज्योति पार्क, कृष्णा कॉलोनी, विपुल ग्रीन सेक्टर 48, ये वो इलाके हैं जहां से 2-2 मामले कोरोना पॉजिटिव के 4 जून को आए हैं। अब मैं उन जगहों के नाम गिनता हूं जहां से 1-1 केसेस आए हैं।
आप लोगों को समझने में आसानी होगी। बार बार अगर मैं ये बोलता हूँ कि एक केस, दो केस, चार केस, तो शायद आप लोग भी कंफ्यूज हो जाएं। इसीलिए मैंने ये आज जो डिटेल्स बनाई है हम लोगों ने बैठकर, ये हमने इस तरीके से बनाई है ताकि आप लोगों को समझने में भी आसानी रहे। अब मैं वो इलाके गिन रहा हूँ जहाँ से एक एक केस सामने आए हैं। वजीरपुर गाँव, भवानी एनक्लेव, बलदेव नगर, डूंडाहेड़ा, सोहना, पार्क व्यू सेक्टर 49, बावड़ा बाकीपुर गाँव, डीएलएफ फेज 2, सेक्टर 40, सेक्टर 67A, आरडीसीटी, सेक्टर 46, लखनौला मानेसर, पटेल नगर, ऑर्चिड आइसलैंड सेक्टर 51, सुशांत लोक फेज 2, साउथ सिटी 1, सिकंदरपुर मार्केट, मानेसर, सिलोखरा साउथ सिटी 1, सेक्टर 110, लक्ष्मी गार्डन, अशोकपुरी, बेवरली पार्क डीएलएफ फेज 2, फरुखनगर, नाहरपुर रूपा, सेक्टर 17C, सहारा ग्रेस एमजी रोड, गुड़गांव गांव सेक्टर 31, सेक्टर 9A, धनकोट गांव, सेक्टर 7 एक्सटेंशन, सेक्टर 23A, बजघेड़ा चौक, बसई एनक्लेव, मोहम्मदपुर सिविल लाइन सेक्टर 73, सीसपाल विहार सेक्टर 49, जुड़ोला गांव सेक्टर 21, सेक्टर 24, सेक्टर 15 पार्ट 1, नोवेल एनक्लेव सेक्टर 22, मालिबू टाउन, ओम विहार फेज 2, ओम नगर, प्रेम नगर, शिव एनक्लेव पार्ट 3, नरसिंहपुर, पालम विहार, न्यू पालम विहार फेज 1, शिवाजी नगर, भांगरोला सेक्टर 82A, सुभाष नगर, रवि नगर, एमजी रोड, दयान कॉम्प्लेक्स सेक्टर 47 चौक, राजेंद्र पार्क, धर्म कॉलोनी, अशोक विहार फेज 2, अशोक विहार ब्लॉक बी, कादीपुर, अंजना कॉलोनी सेक्टर 38, कन्हई गांव सेक्टर 1 नियर बिजली बोर्ड, सूर्या विहार ब्लॉक डी, सेंट्रल पार्क गोल्फ कोर्स रोड सेक्टर 14। ये वो इलाके हैं जहां से एक एक केस पॉजिटिव पाए गए हैं। इस तरह कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो हमारे गुरुग्राम में आज 215 केसेस पॉजिटिव पाए गए हैं और 4 मरीजों को डिस्चार्ज भी अस्पताल से कर दिया गया है। अब आप लोगों से अपील यही है, दोबारा मैं अपील करना चाहूँगा कि आप लोग एक तो अपने जो घरों में छोटे बच्चे हैं जो 10 साल से कम उम्र के हैं, और जो हमारे पास हमारे घरों में जो बुजुर्ग हैं 60 साल से ज़्यादा उम्र के, उनको घर में ही रखें, उनका खास ख्याल रखें। अगर आपको कोई सिम्टम्स होते हैं, बुखार होता है, खांसी है, जुकाम है, या इस तरह के लक्षण जो कि कोरोना में देखे जाते हैं, अगर इस तरह के कोई लक्षण है, तुरंत अपने जो डॉक्टर हैं, नज़दीकी डॉक्टर्स हैं, उनसे सलाह लें, और अगर आपको वो रिकमेंड करते हैं तो आप सरकारी अस्पताल में, निजी अस्पताल जो सरकारी अस्पताल है सेक्टर 10 में, वहाँ पर अपना कोरोना टेस्ट करा सकते हैं। इसके अलावा निजी लैब्स को भी अनुमति दी गई है कि वो सैंपल ले सकते हैं आपके कोरोना जो कोविड-19 है उसके, लेकिन जो निजी लैब्स हैं वहाँ आपको 4500 रुपये टेस्ट के देने होंगे। अब बात करते हैं ये कोरोना कितना घातक है। हमारे गुरुग्राम जिला प्रशासन लगातार ये प्रेस रिलीज जारी करके बता रहे हैं कि हमारे गुरुग्राम में जो केसेस आ रहे हैं उनमें अधिकतर जो 80% से ज़्यादा लोग हैं वो एसिम्प्टोमेटिक है, यानी कि उनको कोई लक्षण नहीं है। अब बहुत से लोग ये कहते हैं कि रैंडमली टेस्ट क्यों नहीं हो रहे, टेस्ट कम हो रहे हैं इसलिए अभी केस कम है। जो जानकार हैं उनका ये कहना है कि ये 80% लोगों को होना है, लेकिन पता भी नहीं चलेगा आपको कि हमें वो बीमारी हो गई, वो होके निकल गई, क्योंकि ये एसिम्प्टोमेटिक है, 80% लोगों को लक्षण ही नहीं थे। इनके टेस्ट इसलिए हुए क्योंकि इनके परिवार में या ये लोग ऐसे लोगों के संपर्क में थे जिनको लक्षण थे और जिनका कोविड टेस्ट पॉजिटिव निकला। आपसे अपील हम करेंगे एक बार फिर कि आप हमारी इस खबर को शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास ये जानकारी समय से पहुंच पाए। नमस्कार।